Hello and good morning, all the students of class 7. Today we are starting with lesson 3, Tiptoe Through the Trilliums. This lesson is basically on saving the environment. How could we save our environment? And trilliums are small flowers that usually comes up in their season around our houses. So we will get to know how to save our environment through this lesson. The trilliums are back. Trillium wapas aa gaye hain. My young daughter has flung the front door open with her announcement. Meri choti si bachchi ne darwaza kholte hue ye ghoshna ki, trillium wapas aa gaye. But she doesn't enter knowing better. लेकिन वो अंदर नहीं आई. क्यों नहीं आई ये वही बेहतर जाने, मगर वो अंदर नहीं आई. हर रबर बूट्स आर फिल्दी कवर्ड इन मर्ड फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड ऑन आवर स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया. उसकी रबर बूट गंदी हो चुकी थी, उसमें कीचड़ सना था. और ऐसा इसलिए हुआ था कि हमारे घर के बाहर छोटा सा जंगल जैसा था, उस इलाके में वो खेलती रही थी. इस कारण उनके रबर बूट्स गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे और उन पर कीचड़ भी लगा था. द ह्यूज मडी नोज ऑफ हर वेरी लार्ज एंड वेरी वेट कंपेनियन सेंट बर्नार्ड पिप्स अराउंड हर लेग्स हॉपिंग फॉर एन इनविटेशन टू विजिट. मडी फीट ऑन कारपेट डोंट बॉदर हिम एट ऑल. साथ साथ में द ह्यूज मडी नोज ऑफ हर वेरी लार्ज एंड वेरी वेट कंपेनियन सेंट बर्नार्ड. साथ साथ में उनका जो साथी था उसकी भी नाक पूरी तरह से कीचड़ में सनी थी. और इनका ये साथी बर्नार्ड उनके कदमों के पास, उस बच्ची के कदमों के पास झूल रहा था और इंतजार कर रहा था कि उसे अंदर आने के लिए कहा जाए. मडी फिट ऑन कारपेट डोंट बॉदर हिम एट ऑल. उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसके पैरों में लगा कीचड़ जमीन पर बिछे कारपेट को खराब कर देगा. वो इसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा था. अनफॉर्चुनेटली दे डू बॉदर मी. दुर्भाग्य से इन दोनों से मैं परेशान थी. रियली द ट्रिलियम्स? सच में ट्रिलियम थे? I respond from the safety of my mud-free zone. मैंने अपने उस कीचड़ रहित क्षेत्र से जवाब दिया. Yes, they are back. हाँ, वो वापस आ गए हैं. I can tell she is excited. मैं कह सकती थी वो बहुत रोमांचित थी. And wants me to come and take a look. और चाहती थी कि मैं भी आऊँ और उसके साथ चलकर देखूँ. I'll be up to my ankles in mud. It is raining though. अब क्योंकि अभी बारिश हो रही थी. आई बी अप टू माई एंकल्स इन मड. तो अगर मैं वहाँ गई निश्चित रूप से मेरी एड़ियाँ तो कीचड़ में सन ही जाएंगी. येट आई डिसाइड इफ माई डॉटर एंड द डॉग डोंट माइंड इट वाई शुड आई. अगर मेरी बेटी ने और उसके कुत्ते को इस कीचड़ में जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, मैं क्यों परेशान हूँ. After all, when is it not raining around here? अब वैसे भी यहाँ बारिश कब नहीं होती, especially this time of the year. और ख़ास तौर पर इस बारिश के समय में इलिनॉइस में तकरीबन रोज ही बरसा हो जाती है. So I pull on my own rubber boots and off we go. इसलिए मैंने भी अपने रबर बूट्स पहने और हम निकल पड़े. A large canopy of evergreen boughs and leafy branches give shelter from the chilly drizzle. एक हरी भरी आप यूं कहें लतरने वाले पौधों का ऐसा सुंदर सा छत बन गया था जिससे कि इस हल्की बारिश से वो बच सकते थे उसके नीचे नीचे चलते हुए. द ग्राउंड इज अलाइव विथ क्रैकिंग साउंड एज इट सोक्स अप द रेन. ऐसा लग रहा था जमीन जी उठी हो क्योंकि ये पानी को सोख रही थी और इससे एक चटकने की आवाज़ सी आ रही थी. इट्स स्पॉन्जी बीनीथ आवर फीट.
हमारे पांव के नीचे ये दलदली सा हो गया था, स्पंजी हो गया था, पांव धंस रहे थे विथ सॉगी अर्थ, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो थी वो ढीली हो चुकी थी. रॉटिंग लीव्स एंड बार्क एंड पैचेस ऑफ मॉस इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ द ग्रीन. और क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ सालों भर बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ पेड़ पौधे झाड़ झंखार बहुत सारे होते हैं. तो ये सब जो ज़मीन पर गिरते हैं, इन सब के गिरने की वजह से छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाते हैं और ये दलदल का रूप ले लेते हैं. छोटे छोटे पानी के ये गड्ढे काफ़ी यूँ कहें आप स्पंजी हो जाते हैं. आई ट्राई टू अवॉइड द बोगीएस्ट पार्ट ऑफ द पाथ बट द गर्ल एंड द डॉग वॉक राइट ऑन थ्रू. मैंने रास्ते में ऐसे अनचाहे गड्ढों से बचने की कोशिश की, लेकिन बच्ची और कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो सीधे ही चले जा रहे थे. एज वी अप्रोच एन एंशियंट फर्न गार्जियन ऑफ द ट्रेल माई डॉटर स्लोज एंड होल्ड्स बैक हर हैंड सिग्नलिंग द एक्सपेडिशन टू हॉल्ट. जब हम एक पुराने से फर के पेड़ के नज़दीक पहुँचे जो इस जंगल में सबसे पुराना था, एक गार्जियन के जैसा था, मेरी बेटी रुकी. उसने अपने हाथ पीछे करके हमें रुकने का इशारा किया. ऐसा लगा जैसे वो हमें रुकने को कह रही हो. द डॉग एंड आई ओबे, कुत्ते ने और मैंने दोनों ने बात मानी. देन सी पॉइंट्स, फिर वो दिखाती है मोशनिंग फॉर साइलेंस एट द सेम टाइम, इशारा करते हुए कि बिल्कुल चुप रहें. एज इफ द ट्रिलियम्स में स्टार्टल एंड रन, जैसे कि अगर हमने बोल दिया तो ये ट्रिलियम शायद शर्मा जाएं और भाग जाएं. श्योर इनफ, निश्चित रूप से देयर दे आर, ये बिल्कुल ट्रिलियम ही थे. दोज मिस्ट्रियस ट्रिलियम्स, रहस्यमय ट्रिलियम. अ ग्रुप ऑफ देम हडल्ड टुगेदर अराउंड द ओल्ड ट्री. इन ट्रिलियम का एक दल एक पुराने पेड़ के पास लिपटा पड़ा था. स्प्रंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गहराई से ये आए थे. बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, लंबी सर्दियों के बाद ये दोबारा पृथ्वी पर खिले थे. इट्स बिकम एन एनुअल ट्रेडिशन फॉर हर एंड मी टू अवेट द अपियरेंस ऑफ दीज डिस्क्रीट लीफी प्लांट्स. ये हमारा एक वार्षिक परंपरा जैसी बन गई थी कि मैं और मेरी बेटी इन खूबसूरत, जो बिल्कुल जिस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, अनदेखा कर दिए जाने वाले इन पत्तेदार पेड़ों का इंतज़ार करते हैं, इनके आने का इंतज़ार करते हैं विद द सिंपल वाइट फ्लावर्स, जिनमें कि छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिले होते हैं. दे डोंट पुट ऑन अ बिग सो लाइक अदर स्प्रिंग फ्लावर्स, दूसरे जो बसंत के फूल होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं, तो वो अपनी आने की पहचान अलग से दे देते हैं. ऐसा ट्रिलियम्स नहीं करते. एंड यू कांट बाय देम इन द स्टोर. और कमाल ये है कि ये ट्रिलियम दुकानों में भी नहीं बिकते, मतलब आप इन्हें दुकानों पे नहीं खरीद सकते. मे बी दैट्स वाई वी एंटिसिपेट अ साइटिंग ऑफ देम एवरी ईयर इन अर्ली स्प्रिंग. और शायद यही कारण है कि हम हर साल वसंत के शुरुआत में इनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं. हम पहले से उम्मीद लगाते हैं कि हमें ये नज़ारे फिर से दिखेंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज वॉन्स द ट्रिलियम्स कम बैक अ लॉट ऑफ अदर स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स आर लाइटेड. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वसंत की शुरुआत में आते हैं, तो एक बार जब ये ट्रिलियम्स वापस आ जाते हैं, इनके साथ साथ वसंत में खिलने वाले और भी कई फूल खिलते हैं. एंड सो इज इवेंचुअली द सन, और आगे चलकर सन नामक फूल भी खिलता है. ट्रिलियम्स डोंट ब्लूम फॉर लॉन्ग, ट्रिलियम ज़्यादा लंबे समय तक खिले नहीं रहते. सो वी आर केयरफुल नॉट टू मिस देम, इसलिए हमें सावधान होना होता है कि हम इस नज़ारे को छोड़े नहीं, हम इस नज़ारे को देख पाएं.
बट नो मैटर हाउ हैप्पी वी आर टू सी देम, हम उन्हें देखकर कितने भी खुश हो जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नो वी हैव टू लीव देम एज दे आर अनटच्ड। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये नहीं छूने वाले होते, अनटच्ड होते, अछूत होते हैं। एंड इन्जॉय देम इन देयर नेचुरल सेटिंग, और इन्हें इनके प्राकृतिक अवस्था में ही देखना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, अनडिस्टर्ब, बिना छेड़छाड़ किए हमें दूर से ही इनको देखकर इनका आनंद लेना चाहिए। दे डोंट ग्रो बैक व्हेन पिक्ड, अगर उन्हें तोड़ लिया गया दोबारा नहीं खेलते। सेटिस्फाइड दैट वी हैव हैड आवर मोमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, माई डॉटर लीड्स द वे बैक। जब हम अपने इस परीक्षण से संतुष्ट हो गए, मेरी बेटी वापस हमें लेकर चल पड़ी। आई नोटिस हर केयरफुली स्टेप असाइड टू अवॉइड अ लॉन्ग ग्रीन ब्लैक स्पॉटेड स्लग। मैंने ध्यान दिया कि वो बहुत संभल संभल कर अब देखकर चल रही थी, यहाँ तक कि वो कुत्ते के बड़े बड़े जो पंजे थे, पैर थे, उनसे भी बचने की कोशिश करते हुए चल रही थी, यानी अब वो थोड़ी सावधान होकर चल रही थी। आई कांट वेट फॉर समर, मैं गर्मी का इंतजार नहीं कर सकती। नो मोर स्कूल, आप कोई और स्कूल नहीं। कैन आई गेट अ न्यू बाथिंग सूट, क्या मुझे नया बाथिंग सूट मिल सकता है। विल सी आई रिस्पॉन्ड, ठीक है देखेंगे। आई फॉन्डली वॉच हर नेविगेट द ट्रेल विथ बोथ ईज एंड केयर, रनिंग हर फिंगर्स अलॉन्ग वेट लीव्स एज सी वॉक्स। मैं देख रही थी वो अपने इस रास्ते में हर चीज़ को बड़े सावधानी से और बड़े प्यार से टच करती हुई, छूती हुई चल रही थी अपने रास्ते। हर पैट्रोनेज ऑफ द ट्रिलियम शोज मोर देन जस्ट एन ईगर एंटिसिपेशन ऑफ समर फन। ट्रिलियम के बारे में उसका इतना सावधानी से सब कुछ बताना या देखना, ये केवल गर्मियों के आगमन की खुशी नहीं थी। इट टेल्स मी दैट माई डॉटर लव्स नेचर, इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरी बेटी को प्रकृति से प्यार है। एंड आई होप वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिलियम्स टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स टू कम, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत से सालों में हम साथ इन ट्रिलियम्स को देखते रहेंगे। बट दैट वॉज ऑल लॉन्ग एगो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। आवर फैमिली डजंट लीव देयर एनीमोर, हमारा परिवार अब वहाँ नहीं रहता। इट्स बीन डिकेड्स सिंस आई वॉज दैट यंग गर्ल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट विद द बिग एंड बिलव्ड मदी डॉग। दशकों बीत गए जब मैं वो नन्ही सी बच्ची थी जो उस जंगल में खेला करती थी अपने प्यारे से धूल मिट्टी में सने हुए बड़े से कुत्ते के साथ खेला करती थी। अब दशकों बीत गई ये बात। दोज ट्रिलियम्स आर लॉन्ग गॉन, ये ट्रिलियम काफ़ी पहले अब खत्म हो चुके हैं। एंड माई फॉरेस्ट टू, और मेरा जंगल भी खत्म हो चुका है। पेव्ड ओवर बाय अ हाउसिंग डेवलपमेंट, और उस जगह अब रिहायशी डेवलपमेंट हो गई है, घर बन गए हैं। बट द मेमोरीज आर स्टिल विथ मी, लेकिन यादें अब भी मेरे साथ हैं। एंड हाउ आई इमेजिन माई मदर्स मेमोरीज एज आई राइट देम हेयर लुकिंग बैक थ्रू हर आइज, और कैसे मैं अपनी मेरी यादें अब भी मेरे साथ हैं और मैं सोचती हूँ अपनी माँ की उन यादों के बारे में जिन्हें आज उनकी आँखों से झांक कर मैं लिख रही हूँ। माई मदर एंड आई स्टिल लुक फॉर द ट्रिलियम्स टुगेदर, मेरी माँ और मैं अब भी साथ में इन ट्रिलियम्स को ढूंढते हैं। बट ऑन अ डिफरेंट लैंड नाउ, लेकिन अब एक नई जगह है, एक नई ज़मीन में हम इसे ढूंढते हैं विद अ डिफरेंट डॉग, कुत्ता भी बदल चुका है। एंड माई मदर लीव्स टायर ट्रैक्स विथ हर स्कूटर थ्रू द लॉन, और मेरी माँ जो अब चल नहीं सकती वो लॉन में अपने स्कूटर से चलती हैं और उनके चक्कों के निशान लॉन में रह जाते हैं। टू द प्लेस इन द यार्ड
हमारे अहाते में उस जगह तक अंडर द बर्च ट्रीज एंड बिग रोडेड्रॉन वेयर वी होप टू सी देम, और वहाँ तक जाती हैं जहाँ एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं और जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हम ट्रिलियम देखेंगे। एंड नाउ सून, और अब जल्दी ही, आई एम गोइंग टू हैव अ डॉटर ऑफ माई ओन, मेरी अब खुद की बेटी होने वाली है। आई विल शो हर द ट्रिलियम्स टू, मैं उसे भी ट्रिलियम दिखलाऊंगी। यहाँ आकर आपका ये लेसन 3 कंप्लीट होता है। इस वीडियो को सुनते हुए अपने घर में पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।